इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। इस वक्त के अपडेट की बात करें तो ग्वालियर में एक युवक ने एक तरफा प्यार में लड़की के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जी हाँ, फिर अगली सुबह खुद भी जान दे दी। वारदात सोमवार रात करीब 8 बजे हुई, जब लड़की अपनी 12 साल की चचेरी बहन के साथ सब्जी लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी ने सरेराह उसकी जान ले ली। जी हाँ, इसके बाद मंगलवार सुबह खुद भी सीने में गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि लड़की की शादी तय होने से आरोपी नाराज था। आरोपी की पहचान गिरिराज कटारे 25 के रूप में हुई है। घटना मुरार इलाके में बेजल कोठी के पास हुई। आरोपी साक्षी गुप्ता 20 का पीछा करते हुए आ रहा था। सरस्वती स्कूल के पास उसने साक्षी को गोली मार दी और भाग निकला। साक्षी के साथ जा रही उसकी बहन परी ने बताया कि युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए था। वह हमारे पास आया और बिना कुछ कहे दीदी को गोली मार दी। पास में ही एक अंकल खड़े थे, उनको बुलाने पहुंची, लेकिन तब तक वह दीदी को मारकर भाग चुका था। साक्षी गुप्ता की सगाई 4 अप्रैल को ही शिवपुरी के पिछोर में रहने वाले आकाश वंसरिया से तय हुई थी। अगले महीने 21 जून को शादी होनी थी। उसके पिता मनोज कुमार गुप्ता का मुरार में चाय का स्टॉल है। युवती मूल रूप से शिवपुरी के भोती गांव में रहती है। शादी की खरीदारी करने के लिए 11 मई को पिता के पास आई थी। पिता मुरार में किराए के मकान में रहते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को बीते 4 सालों से जानते थे। आरोपी साक्षी से शादी करना चाहता था और युवती की सगाई के बाद भाभी की साथ अपना रिश्ता लेकर उसके घर भी गया था, लेकिन साक्षी और उसके परिजन तैयार नहीं हुए। आरोपी की भाभी ने बताया कि 2-3 दिन से गिरिराज परेशान था। वह कह रहा था कि यदि साक्षी ने शादी से मना कर दिया तो मैं उसे देखता हूँ। दिन में गिरिराज की साक्षी से फोन पर बात भी हुई थी। तो ये था आपका अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।